हम लोग बिहार अग्निशमन से है, भागलपुर से ऐसे रहते हैं शाकुन थाना में। मेरा नंबर है 101 112, आग लगेगा तो कॉल करना है, ठीक है, और सही सही पता बताना है, नहीं तो रात को हम लोग चलते हैं खाली कुत्ता मिलता रास्ते में, पता बताने को कोई मिलता है, इसलिए घबरा के नहीं, अच्छा से पता बताना है, तब हम लोग सही जगह पे जल्दी से पहुंच जाएंगे। आपको बुझाने के लिए कोई सूती कपड़ा लेना है, कपड़ा ध्यान रहे फटा हो रहा है, मोटा कपड़ा लेना है और एकदम पतला कपड़ा, ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। कपड़े क्या करना है, इस तरह से पानी भिंगो लेना है, भिंगोने से क्या होता है कपड़ा का छिद्र बंद हो जाता है ना, और पूरा पानी नहीं गारना है, और करते क्या कि इस तरह से ऐसे लेते हैं तो इसको ऐसे ढकते हैं और ऐसे ऐसे कर देते हैं, है ना, और ध्यान रहे अपना हाथ लॉक नहीं होना चाहिए, है ना। अभी देखिए हम कई विधि से कपड़ा की विधि से बाल्टी विधि बुझा के दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा, अच्छा देखिए अब ध्यान से दीजिए, देखिए आग लग गया है ना, बोले थे अभी ऐसे कपड़ा लेना है, ऐसा सूती कपड़ा लेना है, उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके थपथपा देना है, ठीक है, इस तरह थपथपा देना है, देखते रहिए कई विधि से करेंगे, घबराइएगा नहीं, पकड़िए कपड़ा, चलिए बहुआ ना होना, शांति से हाथ से भी कर देंगे, देखिए ये देखिए है ना, कई टैक्टिस सीखते हैं ये, हाँ और आइए आइए फटाफट करते हैं, सब आइटम फटाफट कर देंगे, देखते रहो खाली, सीखना है खाली तरीका, देखिए ऐसे करना है, कपड़ा लेना है, ध्यान रहे सिलेंडर गिरे नहीं, इसको मारेंगे एक बार में, चार पांच बार होगा लेकिन होगा, घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना, 1 2 3 देखिए कभी कभी एक के बार में हो गया है ना, डरना नहीं है खाली। अभी देखिए बाल्टी से हम करते हैं, पकड़ो बाल्टी, क्या करना है, फटा हुआ बाल्टी नहीं लेना, फटे कौन नहीं करेगा, बाल्टी ऐसा नहीं उसमें बैठ जाए, ठीक है, ऐसे जाके उसको मारना है धड़ाम से, ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ करना है, ऐसे गए ऐसे करके एम लेके धाम बैठ जाना चाहिए बाल्टी, ठीक, बाल्टी फटा नहीं होता, फटा काम नहीं करेगा, कड़ी रहता है, कड़ी को पकड़ लेना है। अभी देखिए हम करते हैं, मनु जाइए, देखिए बाल्टी को बोले ऐसे जाके एक सिलेंडर पर जाना है और ऐसे हम लेके मारा धाम, देखो हो गया ना इस तरह से, है ना, बाल्टी फटा होने तो फटा रहे काम नहीं करेगा, ठीक है, आप लोग समझ दिए, बहुत अच्छा बात है, जरूरत पड़ेगा वो करना है, छोटा बच्चा इसको प्रैक्टिकल नहीं करना है, छोटा बच्चा फिर से बोल रहा है प्रैक्टिकल नहीं करना है, ये नहीं कि वहां अंकल ने कर दिया हम जाके ऐसे करें ना, ठीक है, ये बहुत डेंजर चीज है, ये जितना आसान चीज उतना डेंजर चीज है, लोग इसे खाना बनाते हैं, लोग इसे जीते हैं, इनको सावधानी पूर्वक चलाइएगा तो खतरा नहीं होगा, दुर्घटना होने में देर नहीं लगता है, आए दिन घटना होते रहता है, इसका इससे बहुत जान भी गया है लोगों का, इसलिए सावधानी से काम करना है। जब आपको देने के लिए आते हैं सिलेंडर, आप इसको चेक करके लीजिएगा, यहाँ पर जो है 1 किलो पानी दीजिएगा, बुलबुला फेंकेगा, लीकेज होगा, उसको नहीं लेना है, वेंडर के सामने चेक करके लेना है, अब वो चल गया लीकेज देके, फिर जलाइएगा खतरा हो जाएगा, लीकेज होता है तो महकता है, पहले गंधक नहीं आता था, आजकल गंधक आने लगा, तो आपको समझ जाना कि लीकेज है, लीकेज जहाँ है किचन में जहाँ भी आप जला रहे हैं वहां पर इसको लीकेज है तो महक रहा है तो माचिस नहीं जलाना है, जलाने नहीं सिलेंडर को, ठीक है, खिड़की दरवाजा खोल देना है, यही सब सावधानी करना है। धन्यवाद, आप लोग समय दिए इसके लिए, गांव हरनासपति पंचायत में प्रोग्राम हुआ, फायर ब्रिगेड का भी समर्थ विभाग से, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।